हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। सो थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो रोमन न्यूमर्स है। इसके लिए रिक्वेस्ट आई थी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज तो मैम पूरी बुक ही ले आई है और बुक से पढ़ाएंगी। जी हाँ, मैं बुक से पढ़ाऊंगी। ये जो बुक्स है वो हैंड्स ऑन पब्लिकेशन की है, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि इसमें बहुत कम एक्सरसाइज है। ठीक है, फिफ्थ क्लास के अकॉर्डिंग बहुत कम एक्सरसाइज है क्योंकि हमें फिफ्थ क्लास में जो कंसेप्ट है वो बड़ा हो जाता है, एक्सरसाइज भी बड़ी हो जाती है और जितना हम प्रैक्टिस करते हैं मैथ्स में उतना ही हमारा कंसेप्ट क्लियर होता जाता है, हमारी कैलकुलेशन अच्छी होती जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाइव को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, एक्स को टेन से, फिफ्टी को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से हम डिनोट करते हैं। याद रखिएगा जो वी है, ठीक है, वी जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होता। ठीक है, वी कभी भी रिपीट नहीं होगा। उसके बाद जो एक्स है वो 3 times रिपीट हो सकता है। कितनी टाइम्स रिपीट हो सकता है? 3 times। अगर हमारा वी रिपीट होता तो 10 को हम 2 times वी लिख देते ना, लेकिन वी जो है वो रिपीट नहीं होता और एक्स को हम 4 times लिख देते 40, लेकिन x जो है वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। तो ये 1 time, ये 3 times, l 1 time, c जो है हमारा वो रिपीट हो जाता है। ठीक है, c रिपीट होता है लेकिन वो भी 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता। ठीक है, अब मैं चलती हूं बुक एक्सरसाइज पे। कन्वर्ट द फॉलोइंग हिंदू अरबिक न्यूमर्स इनटू रोमन न्यूमर्स। 8 को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? v और 3 times i। ठीक है, 26 डबल x और 6 को हम कैसे लिखते हैं? वी आई। 69 को हम कैसे लिखेंगे? 69 को एक्स, सॉरी पहले एल लिखेंगे ना, 50 फिर एक्स। ठीक है, 60 और फिर 9 को लिखेंगे आई एक्स। ठीक है, 98 को हम कैसे लिखेंगे? अभी देखो 98 को कैसे लिखेंगे, पहले हमें 90 लिखना है और 90 को हम लिखते हैं इस तरीके से, सी होता है 100। ठीक है, और ये होता है 10, तो 98, उसके बाद 8 को हम लिखेंगे इस तरीके से। अब एक चीज और जो मैं यहां पे बताना चाहती हूं, अगर हम किसी नंबर के आगे x लगाते हैं तो मतलब घट रहा है, और अगर बाद में लगाते हैं तो ऐड हो रहा है। जैसे यहां पे l के अगर हमने पहले लगाया x तो यानी कि 50 - 10 40, और अगर हमने बाद में लगाया l के तो यानी कि 50 + 10 60। ऐसे बाकी नंबर्स के साथ भी यही होता है। ठीक है, अब है 609, तो हम 500 को क्या कहते हैं? डी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बनाना है? 600, तो इसमें जोड़ देंगे सी। ठीक है, डीसी कितना हो गया? 600, और फिर लिखेंगे 9। आपको भी इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अभी यहां पे है 19, तो 19 जो है ऑप्शन ए इधर आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद 88, ठीक है 88, सो 88 में आएगा हमारा ये। अब देखिए x जो है 3 times है, उससे ज्यादा नहीं है, सो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 206 डबल सी और ये, तो c का आंसर आएगा ये। 617 डीसी, ठीक है पहले डीसी 600 हो गया, फिर x 10 हो गया। ठीक है, 610 और ये 7, सो इसका सही आंसर होगा डी। 905, अभी देखो क्योंकि हम जो m है, ठीक है हम क्या है सी जो है उसको 3 times नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए हमने m लिखा है और m के बाद हमने c किया है। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? जैसे 500 हो गया हमारा, d लिखा, उसके बाद हम d को भी 3 times नहीं लिख सकते। ठीक है, d को तो हम एक ही बार लिख सकते हैं, हम d में क्या करेंगे? d c c और c, कितना हो गया? 800 है ना, d c c कितना हो गया? 800 हो गया। लेकिन अभी हम C को 3 times नहीं लिख सकते, तो 900 को हमें कैसे लिखना पड़ेगा? M, M हमारा 1000 है, लेकिन उसमें से हमें 100 सब्ट्रैक्ट करना है, तो C आगे लिख देंगे हम। ठीक है, तो M C और V 5, तो ये हो गया हमारा E ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये होगा हमारा 800। ठीक है, D 500 और उसमें 300 और ऐड कर दिया, 800। अभी फिर 900 की लाइन में हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, कहा था हमारा CM, क्योंकि हम C को 3 times से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो सोल्व कर दिया, हम कैसे सोल्व करेंगे? सो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही अच्छे से आता जाएगा। ठीक है, समझना है, रट्टा नहीं मारना है, क्या करना है? समझना है।
अभी देखो यहां पे हमें हिंदू अरेबिक में लिखना है, तो देखो एक्स एक्स 20 और ये 4, 24, एल के बाद एक्स है यानी कि 66, डीएल, डी होता है हमारा 500, उसमें एल जोड़ दिया 550 और यहां पे 8, सो 558, इस तरीके से आपको करना है, रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। अभी देखो सी एम है, इसका मतलब होता है 900 और उसमें हमने कितना जोड़ा है 12, तो 912। अभी देखो एम सी सी, एम होता है 1000, उसमें हमने 200 और ऐड कर दिया, 1200 हो गया, ठीक है। देखो एम 1000 हो गया, दो बार सी 200 हो गया, फिर हमारा 20 हो गया। आप ऐसे लिख के करें और भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अब आप इन सबको ऐड कर दे तो इसका आंसर हो जाएगा 1222। नेक्स्ट में है एम सी, कितना हो गया, देखो एम होता है 1000 और इसमें सी 1000, फिर 100, उसके बाद 3 टाइम एक्स है यानी कि 30 और उसके बाद है 4, सो ये हो गया 1134, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 2B, इसमें भी हमें क्या करना है, मैच द पेयर्स 555, अभी डी 500, एल 50 और ये 5, तो ये सही ऑप्शन होगा ए 200, तो डबल सी हो जाएगा, 29 को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया बी 85 को तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, सो ये हो गया हमारा सी 50 और 3 80 और 5 150 एक्स और एल डी 150 और लास्ट हमारा हो गया ई 15, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर इनटू रोमन न्यूमरल्स, इनको रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है, सो इन सब के आंसर मैं इधर लिखती हूं, ठीक है। पहले है हमारा क्या है 600, अब 600 को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 100 को हम लिखते, सॉरी 500, पहले 500 हमें बनाना होगा डी, उसमें ऐड कर देंगे सी 600, फिर 65 को कैसे लिखेंगे 50, सो एल प्लस एक्स 60 और फिर लिखेंगे 5, इस तरीके से। अभी देखो 888 हम कैसे बनाएंगे, पहले डी सी 3 बार 500 और 800, फिर 80 कैसे लिखेंगे एल 50 और 30 80, फिर उसके बाद 8 कैसे लिखेंगे वी और 3, ये ठीक है, काफी बड़ा हो गया ना। 910, अभी 900 को कैसे लिखेंगे, अभी मैंने पीछे बताया था सी आगे लगा के, क्योंकि 1000 में से 100 900, उसके बाद हमें लिखना है 10, तो 10 हो जाएगा ये 1349, पहले 1000 लिखेंगे, सो हम क्या लिखेंगे एम, उसके बाद 300 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी सी सी, ठीक है 300 हो गया, फिर 40 को हम लिखेंगे एक्स एल, ठीक है, क्योंकि हम 3 बार x 4 टाइम नहीं लिख सकते, सिर्फ 3 टाइम लिख सकते हैं, तो एक्स एल 40 और फिर 9 को आई एक्स, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट रोमन न्यूमरल्स, 46 का कौन सा करेक्ट रोमन न्यूमरल्स होगा, ये वाला 105, ये वाला, सोल एंड राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स। अगर आप 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25 और 25 को हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे 20 और V। 18 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 18 3 जा 54, 54 को हम कैसे लिखेंगे L 50 और 4 को IV। 9 प्लस 4 13 और 13 को हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। आपको 120 में से 15 लेस करना है तो ये आ जाएगा हमारा 105, ठीक है। 105 को कैसे लिखेंगे C और V, ठीक है 105। नेक्स्ट हमारा है कंपेयर द नंबर यूजिंग ग्रेटर स्मॉल और इक्वल साइन, सो ये है सी एक्स, ठीक है, सी के बाद एक्स है यानी कि 110 और यहां पे इससे पहले तो माइनस 10 हो जाएगा ना, यानी कि 100 में से 10 माइनस 90, सो ये वाला नंबर बड़ा है, पहले आप ऐसे कंपेयर कर ले, ये 60 है तो ये वाला बड़ा है, ये 40 है। सी डी और डी सी, ये 600 है और ये 400 है, ठीक है, और ये है 600, सो ये आ गया हमारा, ये वाला नंबर बड़ा है और इसमें हमारा है, देखिए ये 20 और 9 29, ये 35, तो 35 जो है हमारा
बड़ा है। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो समझ में आई होगी, एक्सरसाइज समझ में आई होगी। और देखो, कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन वी एल डी आर नॉट रिपीटेड, कि वी एल और डी क्यों रिपीटेड नहीं होते हैं। देखो ठीक है ना, अभी यहाँ पे भी बोला हुआ है कि जो वी एल डी और वो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन पूछा है कि क्यों रिपीट नहीं होते हैं, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्यों नहीं रिपीट होते हैं। ठीक है,